अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 160। टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, कि हम एक लाइन सेगमेंट कैसे बनाएंगे। अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी गिवन लेंथ से 4.6 सेंटीमीटर कैन बी ड्रॉन इन टू टू डिफरेंट वेज। एक लाइन सेगमेंट चाहे वो किसी भी लेंथ की हो, यहाँ हमने लिए 4.6, वो किस तरीके से बनाई जाएगी, दो डिफरेंट तरीकों से। वो कौन कौन सा? बाय यूजिंग अ रूलर, एक स्केल की मदद से, और बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास या फिर कंपास के। मैंने आपको बताया था पहले, हमने जब डिस्कस किया था, तो रूलर क्या होता है, ये जो देखें इसको कहते हैं रूलर, और कंपास मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो हमने देखा था वो ये देखें इस टाइप का होता है, और इसमें एक साइड पर एक इसका मेटल एंड होता है और एक साइड पर इसके हम पेंसिल यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग अ रूलर, कि हम जो जो हम काम करते हैं हमें उन्हें साथ साथ मेंशन करना होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अब एक स्केल को यूज़ करते हुए हम कैसे एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जो कि इक्वल होगी 4.6 सेंटीमीटर। मार्क अ पॉइंट ए ऑन शीट ऑफ पेपर, कि आपने एक शीट लेनी है, मार्क अ पॉइंट ए ऑन शीट ऑफ पेपर, कि एक पेपर की शीट लें, उस पर एक पॉइंट ए मार्क कर लें। फर्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं। प्लेस अ रूलर सेंटीमीटर साइड अप विद जीरो मार्क ऑफ द रूलर कंसाइडिंग विद पॉइंट ए। आपने क्या करना है, एक रूलर लेना है, उसकी सेंटीमीटर वाली साइड जो है, ये देखिए आपको नज़र आ रही है, सेंटीमीटर की जो साइड है वो अप साइड रखनी है, तो उसे यहाँ रखें। ज़ीरो जो है वो आपका इसी साइड पे होना चाहिए, जो ज़ीरो है वो एग्जैक्ट ए पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, मार्क अनदर पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 4.6 सेंटीमीटर। आपने यहाँ तक अब देखना है 4.6 कहाँ पर आ रहा है, देखिए ये 4 पॉइंट, आगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये पॉइंट आ रहा है 4.6 जो है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है आपने, और इस पॉइंट को आपने नाम क्या देना है, इस पॉइंट को आप नाम क्या देंगे, बी पॉइंट, ठीक है। ज्वाइन ए एंड बी, अब आपने क्या करना है, ए और बी पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इसको यहाँ से इसके साथ मिला देना है। तो ये जो होगा, ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट विद लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो अब रिक्वायर्ड लाइन है 4.6 सेंटीमीटर की बन चुकी है लाइन सेगमेंट। तो हम इसे लिखेंगे ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या है, अब हमने किसको यूज़ करना है, एक कंपास को यूज़ करना है। यूजिंग अ कंपास, अब हम कैसे करेंगे, मार्क पॉइंट ओ ऑन अ पेपर और शीट ऑफ पेपर, कि आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है शीट पे और उसको नाम क्या देना है, ए का। फर्स्ट कर ले, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाती हूँ और उसको नाम दे देती हूँ ए, कि ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, ड्रॉ अ रे ए एक्स। आपने एक रे बनानी है, हमने डिस्कस किया था कि रे जो होती है वो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, आप उसे किसी भी टाइप का बना सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे एक रे ले ली एक्स, ए एक्स, ठीक है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए एक्स का, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लेस द मेटल टिप ऑफ द कंपास ऑन द ज़ीरो मार्क ऑन द रूलर। आपने क्या करना है कि अपने कंपास की ये जो मेटल साइड है, देखें ये जो इसकी मेटल साइड है ना, आपको ये जो नज़र आ रही है, इसको आपने ज़ीरो पे रखना है। सेंटीमीटर वाली साइड लेते हैं, ये ज़ीरो पे रख लिया मैंने, ठीक है, ज़ीरो पे रखा, और कहाँ तक लेके जानी है, टच इज़ द 4.6 सेंटीमीटर मार्क ऑन द रूलर। आपने ज़ीरो से स्टार्ट करके क्या करना है, 4.6 सेंटीमीटर तक लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, ये और ये रहा हमारा 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.6 सेंटीमीटर तक मैंने ये आर्क खोल लिया कंपास। अब आगे क्या करना है,
जैसे इन्होंने फिगर में भी दिखाया हुआ है कि आपने 4.6 सेंटीमीटर तक का अपना कंपस खोल लेना है। नेक्स्ट पेज भी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे लिफ्ट द कंपस एंड प्लेस द मेटल एंड ऑन पॉइंट ए। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो मेटल टिप है वो आपने ए पे रखनी है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने रख ली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मार्क द स्मॉल आर्क ऑन द स्ट्रेट लाइन विद द पेंसिल। अब ये जो पेंसिल जहाँ पे जाके रुकेगी वहाँ पे हमने एक आर्क लगानी है, इसको कहते हैं आर्क। ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये देखें आपको नजर आई, इसको कहते हैं आर्क। मार्क द पॉइंट वेयर द आर्क क्रॉसेज द स्ट्रेट लाइन ए बी। आपने जहाँ पे भी, सॉरी कि ये मूव कर रहा है ज़्यादा, जहाँ पे इस आर्क ने इस लाइन ए एक्स को कट किया है वहाँ पे आप पॉइंट लगा लें और उसको नाम दे दें पॉइंट बी का, ठीक है। ए बी इज द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट विथ लेंथ 4.6 सेंटीमीटर। तो ये जो ए बी पोर्शन है ये हमारा क्या होगा, 4.6 सेंटीमीटर जो हमें रिक्वायर्ड था। एक तरीका था कि एक स्केल से हमने कैसे बनाया और एक अभी ये मैंने जो आपको सिखाया ये कंपास के थ्रू, कि सबसे पहले पॉइंट ए लेना है, फिर आपने एक रे बनाई ए एक्स पॉइंट की, फिर आपने 4.6 जो है वो अपना कंपास ओपन करना है, मेटल टिप को आपने ए पे रखना है, देन एक आर्क लगानी है। उस आर्क जहाँ पे वो आर्क इस लाइन को कट करेगी उस पॉइंट पे आपको, आपने उसको नाम दे दिया बी का, और ये जो इसका पोर्शन है ये है 4.6 लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर।